हेलो एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। हम ताजमहल से निकल करके अब आगरा फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। मैंने ऑटो कर लिया है। ताजमहल से आगरा फोर्ट लगभग 1.2 किलोमीटर है और इसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट से फेयर है 10 रुपये शेयर्ड ऑटो में। मैं आगे आपको बताऊंगा इसके रूट के बारे में और वहाँ पहुँच करके इसकी थोड़ी हिस्ट्री। ये रास्ता है ताजमहल से आगरा फोर्ट की तरफ जाने का। ताजमहल के गेट से राइट साइड में ऑलमोस्ट 1.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आगरा फोर्ट मौजूद है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अकबर फोर्ट में, जिसे आगरा का किला या अकबर का किला भी कहा जाता है। और ये इसकी मेन एंट्री है। टिकट काउंटर बना हुआ है लेकिन टिकट ऑफलाइन है, सॉरी ऑनलाइन है, तो हमने ऑनलाइन बुकिंग कर रखी है। ऑफलाइन काउंटर बंद है। हम अंदर की तरफ जाएंगे अपना चेक इन, सिक्योरिटी चेक इन वगैरह होने के बाद। इस किले का इतिहास मैं थोड़ा आपको बता दूं कि इस किले का इतिहास बहुत पुराना है। मतलब जब पहली बार इब्राहिम लोदी के शासन से पहले का है ये। बहुत लोग समझते हैं कि ये अकबर का किला है, अकबर ने बनवाया था, जबकि ये बात सही नहीं है। ये किला बहुत ज़माने से मौजूद था। अकबर ने उसका रिनोवेशन किया था और फिर वो यहाँ आकर के यहाँ से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे शासन किया। तो ये सही नहीं है कि अकबर ने बनवाया था, ये मौजूद था बहुत पहले। यहाँ जब बाबर पहली बार हिंदुस्तान आया, मुगल इंपीरियर बाबर, तो उसने यहीं से सल्तनत चलाई थी। फिर उसके बेटे हुमायूं को गद्दी जो मिली वो भी यहीं से मिली। फिर अकबर ने यहीं से शासन किया, उसके बाद दिल्ली गया। तो ये है अकबर का किला। हमने सिक्योरिटी चेक से एंट्री ले ली है। हमारा सिक्योरिटी चेक हो गया और जो हमारा एंट्री पास होता है वो भी चेक हो गया। और अब हम इस गेट से अंदर की तरफ जाएंगे अकबर के किला के अंदर। तोप लगा हुआ है, तोप लगाया जाता था सिक्योरिटी पर्पज़ से, लेकिन अभी जो लगाया गया है वो जस्ट शो ऑफ के लिए लगाया गया है। तो ये एंट्री से हम मेन गेट से इंटर कर रहे हैं अंदर की तरफ। किसी ज़माने में मुग़ल शान थी, बल्कि वही नहीं, उसके बाद फिर इस पर मुग़लों के बाद इस पर शासन हुआ मराठा किंगडम का। मराठा के बाद फिर ये आ गया अंग्रेज़ों के अंदर। मेरी कोशिश है कि अलग अलग एंगल से इस जगह का फ़ोटो लिया जाए। इस गेट से हम अंदर की तरफ जाएंगे अकबर फोर्ट के अंदर। बच्चे लोग परेड करते हुए जा रहे हैं। परेड सावधान, ठीक से करो, ठीक से नंबर कटेंगे सबके। दूर से लीजिए, दूर से ही फोटो ला पा रहा यार। इस किले से एक और इतिहास जुड़ा है जो हम आपको बता देते हैं कि आपको याद होगा अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो, औरंगज़ेब बादशाह ने मराठा साम्राज्य पे कब्ज़ा कर लिया था। उसके बाद शिवाजी यहीं आए थे इसी किले के अंदर, और यहाँ अकबर ने औरंगज़ेब ने उन्हें यहाँ कैद कर लिया। उसके बाद यहाँ से भागने के लिए उन्होंने एक बहुत सॉलिड प्लानिंग बनाई थी। वो एक मिठाई के टोकरे में बैठ करके बाहर उन्होंने अफवाह फैला दी कि शिवाजी बीमार है, और यहाँ अपने जैसे हम शकल को एक लिटा दिया, और फिर वो अपने जैसे हम शकल को लिटा दिया और फिर भेस बदल करके वो एक मिठाई के टोकरे में बैठे। वो थे शिवाजी थे और उनके छोटे से बेटे थे, वो दोनों ही फिर यहाँ से निकल गए। ये एक ऐतिहासिक घटना थी कि मुग़ल साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था, जो एक मराठा के जो आगे चल करके सबसे बड़े मराठा सम्राट बने, उन्हें कैद से निकल के भाग जाना ये बहुत बड़ा धक्का था। अगर वो कैद में रहते तो शायद मुग़ल इंपीरियर और ज़्यादा फैल जाता। ये एक हिस्टोरिकल पॉइंट है, तो बहुत लोग इसे यू नो लाइक पर्सनल व्यू देने लगते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो इतिहास के पन्नों पे मैंने पढ़ा है बस वही बक दिया। किसी ज़माने में यहाँ पे चहल पहल रहा करती थी,
और राजा की मीटिंग हुआ करती थी, इसको कहते हैं बंगाली महल। बंगाली महल एक विशाल महल था जिसका मात्र एक छोटी दक्षिण भग्नावेश के रूप में बचा है, जिसे अकबरी महल के नाम से जाना जाता है। इसे अकबर ने बनवाया था। इस महल के मध्य में एक विस्तरणी आंगन है जिसके चारों ओर आवासीय बने हुए थे। इस महल में छोटे छोटे कई भाग, आंगन, प्रसादन कक्ष, दासियों के कक्ष और कुएँ सहित एक बड़ी बावली भी है। इसमें एक बावली भी है और हम चल के देखेंगे वो बावली कहाँ पर है, क्या हमें उधर जाने की एंट्री मिलती है। इसी में अकबर का हरम भी यहीं पे था। आपने बहुत ज़्यादा इतिहास में पढ़ा होगा अकबर के हरम के बारे में, जिसमें वो अपने अलग अलग बहुत सारी रानियों को रखता था। तो इस महल में ही अकबर का हरम, जिसे रनीवास स्थित था, इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है, अकबर ने एक बड़े परकोटे के अंदर सुंदर इमारतों का निर्माण कराया जहां वह विश्राम करता है। यद्यपि यहां 5000 से अधिक स्त्रियां हैं, उसने प्रत्येक को अलग अलग आवास गृह दिए हुए हैं, यानी कि 5000 से अलग छोटे छोटे कमरे बने थे और सब में अकबर की वाइफ जो अलग अलग उनके पास पत्नियाँ थी वो रहा करती थी। यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट है, देखना है कि वो जिस बावली का जिक्र है, जिस मतलब रहने का वाटर पार्क टाइप का जिसको आप कह सकते हैं, उस वो कहाँ पर है। क्या ये वो बावली इधर ही है क्या? चलिए देखते हैं। इधर तो एक लॉक लगा हुआ है, इसमें जाने का शायद नहीं होगा परमिशन। और दूसरा इधर कुछ रास्ता टाइप का गया हुआ है और ये बहुत सारा गड्ढा बना हुआ है, तो शायद इसी में कुछ हो। चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं क्या है। यहाँ तो लॉक लगा हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसी के अंदर में वो बावली होगी। बाहर तो कहीं नहीं दिख रहा, तो इसी के अंदर होने चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर। देखूंगा किसी से पूछ करके। मैंने गाइड की सर्विस नहीं ली, वो बहुत महंगा था इसलिए नहीं लिया, वरना गाइड की सर्विस लेता तो वो शायद एक्सप्लेन कर पाते। इधर जो आप रूम सब देख रहे हैं वो अकबर की रानियों के लिए था, जिसे हरम कहते हैं। ये इधर हरम बना हुआ था पूरा। एक बादशाह थे औरंगज़ेब, जो कि अकबर के पोते थे, शाहजहाँ के बेटे। उन्होंने हरम का सिस्टम ख़त्म कर दिया। उनका इमारत भी जो जिसमें वो रहते थे औरंगाबाद में, बिल्कुल छोटा था। उन्होंने जो अपना मकबरा बनाया वो भी छोटा ही है, कुछ खास नहीं है। मतलब उन्हें ये सबसे इंटरेस्ट नहीं था कि बड़े बड़े इमारत बने। ही वॉज़ मोर एज लाइक यू नो एडमिनिस्ट्रेटर, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर था, बहुत अच्छी प्रशासन सेवा थी उसकी। मैंने पता किया बावली के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये अंदर में है, बिल्कुल लॉक है और आप उधर नहीं जा सकते, जाना अलाउ नहीं। इस गेट के अंदर भी कुछ है और हम चल के देखते हैं। बहुत सारे लोग अंदर जा रहे हैं, हम चल करके देखते हैं कि इस गेट के अंदर क्या है। हम उस गेट को पार करके यहाँ आ गए हैं और ये चारों तरफ पत्थर है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लगभग 10 मिनट का हो गया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करता हूँ और सेकेंड पार्ट में अगले वीडियो में स्टार्ट करूँगा।